नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपके पिछले सवाल का जवाब देने। ये सीलिंग किस रेस्टोरेंट की है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें चलना होगा इटारसी स्टेशन, और इटारसी स्टेशन से हम आपको बताएंगे कि भोपाल रोड पर, जी हाँ, इटारसी स्टेशन से भोपाल रोड पर जब हम जाते हैं ब्रिज को क्रॉस करके, तब हमें मिलता है गोल्डमार्क सिनेमा। जी हाँ, गोल्डमार्क सिनेमा, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में, इटारसी में, मल्टीप्लेक्स भी कहा जाता है। मल्टीप्लेक्स के बिल्कुल साइड में बना हुआ है क्रेजी कप्स, और उसी के साथ लगा लगाया हुआ है गोल्डमार्क डाइन इन। यहाँ का खाना और यहाँ का एम्बियंस तो इसे बहुत ही कूल लुक देता ही है। अलावा इसके सबसे ख़ास बात, यहाँ पर पार्किंग की भरपूर व्यवस्था है। जब हम कभी फैमिली को लेकर के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमें लगता है कि पीछे पार्किंग में हमारी गाड़ी सेफ है या नहीं है। यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक सेल्फी जोन भी है, जहाँ काफ़ी समय से लोग सेल्फी लेकर फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। और यहाँ कुछ कलाकृतियाँ राजस्थानी पैटर्न की ऐसी रखी हुई हैं, जिन्हें लोग देखना बहुत पसंद करते हैं और इनके साथ अपनी सेल्फी लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा हैंगआउट प्लेस है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने घर परिवार के लोगों के साथ, बच्चों के साथ आ सकते हैं। ऑनेस्टली अभी तक तो मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। फिलहाल ये बाहर का एरिया है, जो राजस्थानी फ्यूजन के साथ सजा धजा है। यहाँ मौसम का मजा लेते हुए चाय की चुस्कियाँ और विभिन्न प्रकार की डिशेस खाने का आनंद लेने के लिए पार्क एरिया भी बना हुआ है, जिस पर शेल्टर लगा हुआ है, और यहाँ से बैठकर आप बाहर के मौसम का मजा लेते हुए भी सभी प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। ये एक गुड लुक रेस्टोरेंट मुझे समझ में आया है। तो आइए अब हम देखते हैं गोल्डमार्क डाइन इन के रेस्टोरेंट में अंदर जाकर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो सीलिंग भी और वो गोल्डमार्क डाइन इन रेस्टोरेंट भी। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ अंदर आप देखेंगे एम्बियंस बहुत क्लासिकल है, बहुत ही अच्छे किस्म का एम्बियंस है। आपको लगेगा नहीं कि आप इटारसी में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेड इन इटारसी टीम इस तरह के वीडियोस इसलिए बना रही है ताकि लोग ये जान सकें इटारसी में बहुत कुछ है। पिछली बार हमने आपको रेल कोच दिखाया था, इस बार हम आपको गोल्डमार्क डाइन इन रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत ही क्लासी बना हुआ है, और इस समय जब हम यहाँ पर ये शूट कर रहे हैं, तो सेंटर टेबल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर लेडीज़ की पार्टी चल रही है, और वो लोग वहाँ अपने लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं। हम इस वीडियो को बनाने के लिए इस टाइम पर आए हैं कि हमें ये इस तरह खाली मिले और हम अच्छे से इसे रिकॉर्ड कर पाएँ। साइड में बहुत अच्छा बैठने का अरेंजमेंट है, सेंटर में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ लगी हुई हैं, अंदर नए नए तरह के इंटीरियर डेकोरेशन हैं, और जैसा कि हमें मैनेजर से बात करने पर पता चला, ये अभी फिर रिनोवेट हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ वॉशिंग एरिया, इवन दो साथ में ही आपको महिला एवं पुरुष शौचालय की व्यवस्था अलग मिल जाती है, जो बहुत अच्छा है। ये आप देखेंगे छोटे छोटे टेबलों के बीच में चार चार लोगों की बैठने की व्यवस्था, दीवार का सीनरी से भरा हुआ लुक आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ आकर बैठेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया में बैठने का फील आएगा। आइए अब हम
यहाँ से चलते हैं गार्डन एरिया की तरफ, जहाँ पर ये बना हुआ है हैंगआउट प्लेस के लिए और बाहर के मौसम का आनंद लेते हुए व्यंजनों को एंजॉय करने के लिए बनाया गया प्लेस। टीम मेडिन इटारसी की ये कोशिश आपको कैसी लगी? पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल मेड इन इटारसी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें ऊर्जा देता है आपको इस तरह के नए नए कंस्ट्रक्शंस दिखाने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, साइनिंग ऑफ मेड इन इटारसी।